नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए पौधे की जानकारी के साथ स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक नए पौधे के बारे में, जो आप देख रहे हैं इसकी पत्तियों को आप पहचान लीजिए। इसको हम कहते हैं बालम खीरा का पेड़। यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और ये हिंदी में इसको बालम खीरा कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम जो किगेलिया के नाम से जाना जाता है। खीरा का हम सेवन करते हैं और ज़्यादातर लोगों को सलाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, साथ ही सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आपने बालम खीरा के बारे में सुना? यही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। क्लिनिकली न्यूट्रिशियंट और डाइटिशियन के अनुसार बालम खीरा की तरह बालम खीरा भी भारी पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आयुर्वेद में कई औषधियाँ बनाने में बालम खीरा का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में कई रोगों को दूर करने के लिए बालम खीरा के चूर्ण का उपयोग करते हैं। आप इसमें लटकते हुए फल देख पा रहे हैं, आप देखिए ये फल दिख रहा है आपको, इस प्रकार से बालम खीरा होता है। हालांकि बालम खीरा का सीधे तौर पर सेवन नहीं किया जा सकता है, इसका प्रयोग चूर्ण, जूस या हर्बल ड्रिंक में किया जाता है और इसके स्वास्थ्य संबंधों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बालम खीरा क्या होता है, अपना इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत करता है। एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण से भरपूर है बालम खीरा। फ्री रेडिकल से लड़ने और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, अन्य वायरल संक्रमण और एलर्जी से आपको दूर रखता है। इसके अलावा देखिए, इसको खाने से इस पर काउंट भी बढ़ जाते हैं और शरीर मजबूत होता है, तो इसमें ऐसा फायदा होता है। सूजन से लड़ने में, शरीर में सूजन कई गंभीर रोगों को जन्म देती है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने की वजह से इसमें भरपूर बालम खीरा सूजन से लड़ने में मदद करता है और अपने को हेल्दी रखता है। बालम खीरा का के रस का सेवन करने से मलेरिया जैसे रोगों से बचाव और लड़ने में मदद मिलती है। यह एंटी मलेरिया गुणों से भरपूर होता है। वहीं बालम खीरा के तने में क्लोरोक्विन नामक यौगिक होते हैं, जिसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मलेरिया की रोकथाम में भी प्रभावी है। एंटी एमीबिक, बालम खीरा में एंटी एमीबिक गुण होते हैं। यह एमीबियासिस से लड़ने में मदद करता है और संक्रामक रोग है। बालम खीरा के जूस का सेवन करने से एमीबियासिस जैसे परजीवी संक्रमण से बचाव और लड़ने में मदद मिलती है। कैंसर के विकास को रोकने में भी ये मददगार है। अपने एंटी कैंसर गुणों के चलते बालम खीरा फ्री रेडिकल्स और हानिकारक कणों से लड़ने में मदद करता है, जो कैंसर को जन्म देते हैं। ये गर्भाशय और एलिमेंट्री ट्रैक्ट कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है। साथ ही कुछ प्रकार के कैंसर में बालम खीरा के सेवन की सलाह दी जाती है। अब देखिए, एक बात हम करते हैं, जो बालम खीरा होता है उसका हम सलाद के रूप में भी काम लेते हैं और इसके अलावा आप इसका चूर्ण बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बालम खीरा का प्रयोग मधुमेह, पैचिस, निमोनिया, गुर्दे की पथरी, त्वचा रोग, रक्तस्राव, गठिया, दांत दर्द, सूखी खांसी, पाचन संबंधी और पेट दर्द, आंतों की सूजन, शीघ्र पतन, बालों का सफ़ेद होने और कमर तथा जोड़ों के दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसका बालम खीरा का जूस, बालम खीरा में भले ही बालम के आगे खीरा लगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका उपयोग भी खीरा की तरह ही किया जाता है। खीरा को हम कच्चा खा सकते हैं, इसकी स्मूदी बनाकर पी सकते हैं, लेकिन बालम खीरे के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कच्चा
खाना जहर के समान होता है दिखने में। बालम खीरा और खीरा एकदम ही अलग अलग होते हैं। जहाँ खीरा खाने में नरम होता है वहीं बालम खीरा बहुत ज़्यादा कड़ा होता है। इसको काटने के लिए किसी बड़ी और धारदार वस्तु की जरूरत पड़ती है। बालम खीरा के आयुर्वेद में बहुत से महत्व बताए गए हैं और इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है जिसमें फल लगते हैं और बालम खीरे का चूर्ण जूस गाढ़ा बनाकर सेवन किया जाता है। इसी के बारे में अब देखिए हम बात करते हैं पथरी के बारे में। किडनी स्टोन में बहुत ही कारगर है ये बालम खीरे का जूस। किडनी पथरी के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके सेवन से पथरी कुछ ही समय में घुलकर बाहर निकल जाती है। और इसके बालम खीरा का जूस बनाने के लिए आप 1 किलो बालम खीरा को अच्छे से धोकर बारीक टुकड़ों में काट लें। उसके बाद इसको एक बर्तन में रखें और करीब 2 लीटर पानी डाल के इसे खूब उबालें। जब इसका पानी 1 लीटर बच जाए तो इसे आधा कप दिन में 2 बार सेवन करने के लिए दें तो आपके शरीर को बहुत ही लाभ होगा और जो पथरी है वो इसमें गुड़ कर बाहर निकल जाएगी। स्किन एलर्जी में लाभ मिलता है। कई लोगों को अक्सर स्किन में कहीं ना कहीं एलर्जी बनी होती है जिसे पिंपल्स हो जाते हैं, पुंछिया हो जाती है, लाल या सफ़ेद उसमें से पीप निकलने लगती है जिसके कारण खुजली होना, रेसेज होना, इन सभी की समस्याएं बनी रहती है। अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बालम खीरा का काढ़ा बनाकर सेवन करने से सभी तरह की एलर्जी दूर हो सकती है और इसका दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग शीघ्र पतन की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके उपचार के लिए आप बालम खीरे को आग में पका लें और पकने के बाद उसको चूर्ण की तरह बना लें और रात में इसका 1 चम्मच पाउडर गुनगुने दूध के साथ पिए। कुछ ही दिनों में आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। पीलिया के उपचार में कारगर बालम खीरा के रस का सेवन करने से पीलिया एंड जॉन्डिस जैसे रोगों से बचाव और लड़ने में मदद मिलती है। वहीं बालम खीरा के तने में क्लोरोक्विन नाम के यौगिक होता है जिसका उपचार आपका मलेरिया रोग के लिए किया जाता है, जो मैंने अब आपको पहले भी बताया है। दस्त में फायदेमंद है। बालम खीरा की छाल का पाउडर बनाकर इसे पानी में मिलाकर पीने से दस्त, डायरिया यानी भयंकर दस्त होती है, कभी कभी खूनी दस्त भी लगती है और पेट में मरोड़ लगते हैं, पेट दर्द संबंधी समस्या से निजात पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब बात कर लेते हैं बालम खीरा आदि खाने से क्या नुकसान होता है। इसे कभी कभी किडनी फेलियर होने के चांस है क्योंकि इससे ज़्यादा खाने से ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, इससे किडनी फेलियर हो जाती है। इसको हाइपरकैलेमिया कहा जाता है। ये जिन लोगों को किडनी की कोई समस्या होती है, बीमारी होती है, उनको ज़्यादा खीरा खाने की सलाह नहीं दी जाती है। साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।